सुर में भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिंदे पर हमलावर हो गए हैं। उद्धव ठाकरे को एक झटके में सत्ता से उतार फेंकने वाले एकनाथ शिंदे अब उद्धव के निशाने पर हैं। उद्धव गुट इस बात की खुशी मना रहा है कि अब बतौर सीएम एकनाथ शिंदे के गिने चुने दिन ही बाकी रह गए हैं। और इसीलिए उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत इसे बदलाव का नहीं बल्कि बदले का दौर बता रहे हैं। उनका मानना है कि अजीत पवार बहुत जल्द एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी से नीचे उतार देंगे। नहीं, ये बदलाव नहीं है, ये बदले का दौर है। बदलाव तो 2024 में होगा। एकनाथ शिंदे का चेहरा आपने देखा, जब अजीत पवार और उनके लोग शपथ ले रहे थे तो उनका चेहरा आप ऑब्जर्व करो। अजीत पवार का इंडक्शन इन कैबिनेट का मतलब है एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक ऐसा ही बयान एनसीपी की ओर से भी आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब महाविकास अघाड़ी के नेता एकनाथ शिंदे पर मिलकर निशाना साधने में जुट गए हैं। उधर महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल के बाद मुंबई में एनसीपी दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। एनसीपी के जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उनके खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने शपथ लेने वाले मंत्रियों की तस्वीर दफ्तर से बाहर फेंक दी। इतना ही नहीं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले पार्टी नेताओं की फोटो पर काली स्याही भी पोती। राजनीतिक उलटफेर से नाराज एनसीपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। एनसीपी के 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। यही वजह है कि एनसीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। महाराष्ट्र में जारी सियासी उलटफेर के बीच एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र वर्मा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कह दिया कि शरद पवार फ्रंट फुट पर खेलेंगे और किसमें कितना दम है सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। कितने विधायक साथ में हैं ये अब आने वाले 2-3 दिनों में स्पष्टता उसमें आएगी। एक दिन पहले एनसीपी नेता अजीत पवार 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके साथ और भी विधायक आएंगे, लेकिन इसी बीच एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र वर्मा ने कह दिया कि 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उधर महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में भी उलटफेर की संभावना जता दी। उन्होंने दावा कर दिया कि विपक्षी एकता की बैठक की वजह से एनसीपी में विद्रोह हुआ और उनके मुताबिक बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बन रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बातचीत करनी शुरू कर दी। सुशील कुमार मोदी ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में उलटफेर को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं बिहार में भी कोई सियासी हंगामा ना हो जाए। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट को लेकर बिहार की राजनीति में